यूपीएससी की तरह यूपीपीसीएस की परीक्षा भी कठिन होती है। इसका सिलेबस भी काफी हद तक यूपीएससी सिविल सेवा जैसा होता है। यही वजह है कि कई युवा इस परीक्षा को पास करने के लिए कई सालों तक तैयारी करते हैं। आज हम आपको अजय यादव की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने पहले प्रयास में सफलता हासिल करते हुए डीएसपी का पद हासिल किया। अजय यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जैतरा ब्लॉक के कठिंकरा गाँव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने जिले से ही साइंस विषयों के साथ पूरी की। इसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली में प्रवेश लिया और अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। अजय यादव ने आईआईटी दिल्ली से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिविल सेवाओं में जाने का मन बनाया। इसके लिए उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। अजय यादव ने रणनीति बनाकर सिविल सेवाओं की तैयारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा का पेपर दिया और प्रीलिम्स और मेंस पास करते हुए इंटरव्यू में जगह बनाई। हालांकि इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पाए। उन्होंने हार ना मानते हुए फिर से तैयारी करने का निर्णय लिया। अजय यादव ने इंटरव्यू में फेल होने के बाद निराश होने के बजाय पीसीएस परीक्षा पर ध्यान देने का निर्णय लिया। उन्होंने पीसीएस परीक्षा पर फोकस करते हुए पेपर दिया और अपने पहले प्रयास में सफल हो गए। अजय का डीएसपी के पद पर चयन हुआ है। अजय यादव की सफलता के बाद उनके घर पर मीडिया का तांता लग गया है। उन्होंने एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। यदि असफलता मिली है तो निराश होने के बजाय कड़ी मेहनत कर सफलता तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।